नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले तो आज 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारा आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन है, जिसमें हम पिछले जो हमने विश्लेषणात्मक रूप से जिन पेपरों का डिस्कस किया था, उन्हीं पेपरों का हम क्विकली है वो रिवीजन करेंगे। तो आज के इस पेपर में हमारा जो इस सेशन में पेपर है वो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2015 का है। इस पेपर में कुल 60 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका हम क्विकली रिवीजन करेंगे। तो आप सभी लाइव दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, राजस्थान जीके के प्रश्नों की। यहाँ से आपकी शुरुआत होगी। रेबेल जी देवड़ा, महेश जी वर्मा, जियो स्टडी, प्रकाश जी राठौड़, हंसराज जी गुर्जर, आदित्य जी गुप्ता, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर एक है आपका, आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है बालाथल, गिलुंड, आहड़ और ओजियाना। तो मित्रों, इसमें करेक्ट आंसर बोर्ड ने माना है बालाथल, लेकिन इसका सही आंसर है वो आपका ओजियाना होना चाहिए, क्योंकि बालाथल से बाद में ओजियाना का उत्खनन हुआ है सन 2000 में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा विकल्प नंबर डी होगा, ओजियाना। अगला प्रश्न, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? ए सी आर राव, एस आर राव, ए घोष, बी के थापर, आर सी अग्रवाल। तो प्रथम उत्खननकर्ता पूछा है, एग्जावेटेड कौन था इसका प्रथम? तो यहां पर आरपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर माना है ए घोष, लेकिन रिसेंटली एक पेपर हुआ था उसमें सेम ही प्रकार का प्रश्न था, उसमें उन्होंने आंसर माना था बी के थापर, क्योंकि अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी, लेकिन बी के थापर और बी बी लाल ने इनका उत्खनन कार्य है वो किया था। ठीक है, अगला सवाल, नृत्य रत्न कोष का रचयिता था विग्रहराज तृतीय, महेंद्रपाल द्वितीय, अमोघवर्ष या फिर कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने संगीत राज नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, जो कि 5 भागों में विभक्त है, और उसी का ही एक पार्ट नृत्य रत्न कोष है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद द्वितीय से जीता था? भीलसा और रायसेन, सारंगपुर और जबलपुर, रणथंबोर और चाटसू, मंदसौर और उज्जैन। यहां पर एक नंबर करेक्ट आंसर होगा हमारा भीलसा और रायसेन, यानी कि राणा सांगा ने महमूद मालवा के महमूद द्वितीय से भीलसा और रायसेन को जीता था, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, उसका क्या नाम था? जगमाल, शक्ति सिंह, सगर या फिर उदय सिंह। तो राणा प्रताप ने मार जो राणा प्रताप के सौतेले भाई जिसका नाम है जगमाल, और उसी जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर है वो प्रदान की थी। तो यहां पर जगमाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजिट किया था? 1453, 1438, 1440 और 1458। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप बताएं एक बार। और आज टेलीग्राम पर मैं इसकी लिंक है वो शेयर नहीं कर पाया, तो अभी आप इसका करेक्ट आंसर बताएं, तब तक मैं टेलीग्राम पर भी और साथियों के साथ में इसकी लिंक है वो शेयर कर देता हूं। हाँ, यही पेपर है, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये पेपर पहले ऑलरेडी करवाया हुआ है, लेकिन इसका हम क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, ये ओनली हमारा क्विक रिवीजन सेशन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लिखिए। चलिए, एक नंबर करेक्ट आंसर है 1453। ठीक है, महाराणा कुंभा के साथ में राव जोधा ने युद्ध किया था और मंडोर को विजित किया था, 1453 है करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट,
मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। तो बहुजीरो तालाब का निर्माण मालदेव की कौन सी रानी ने करवाया था? उमा दे भटियाणी, हीरा दे जाली, स्वरूप दे जाली या फिर पार्वती सिसोदाणी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? स्वरूप दे जाली, विकल्प नंबर सी है करेक्ट आंसर। उमा दे ये रूठी रानी के रूप में विख्यात है, जैसलमेर के लूणकर्ण की पुत्री थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से किसे जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? नरहरिदास, बहरट, ईश्वरदास, दलपति मिश्र, बनारसी दास। तो नरहरिदास, दलपति मिश्र, बनारसी दास, इसके अलावा मोहनोत नैण सिंह, ये जसवंत सिंह के दरबारी थे, लेकिन ईश्वरदास नहीं थे। विकल्प नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहां गुजारे थे? उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर उज्जैन में। तो दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा जाता है, ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण है वो आपके उज्जैन में गुजारे थे। विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, और यहीं पर 1718 में इनका निधन हो जाता है। नेक्स्ट, सूबा जहां राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया, गुजरात, बिहार, बंगाल, काबुल। तो मानसिंह ने बिहार में, बंगाल और काबुल में अकबर के सूबेदार के रूप में कार्य किया था, लेकिन गुजरात में नहीं किया था। विकल्प नंबर एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? तो जो महत्वपूर्ण कवि है, साहित्यकार है, वो किसके शासनकाल में रहे थे, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जब राजस्थान का साहित्य पढ़े तब, और राजस्थान का जब आप इतिहास पढ़े तब भी इन चीजों को आप इंटरलिंक करते हुए आपको पढ़ना है, ठीक है। रत्नाकर भट्ट, विद्याधर, बिहारी जगन्नाथ। तो यहाँ पर सवाई जयसिंह का संरक्षण जिन्हें प्राप्त नहीं था उसका नाम है बिहारी। बिहारी इसको मिर्जा राजा जयसिंह का संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने बिहारी सत्सई ग्रंथ लिखा था। फिर वो आरपीएससी वाला सेशन कब शुरू करोगे? राजस्थान न्यूज हट आरपीएससी का जो डिटेल में हम एनालिसिस कर रहे थे वो सेशन, ये जो क्विक रिविजन सेशन है वो लगभग हमारा 5-7 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम पुनः वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था, इस रोम नोट की विषय वस्तु या थीम क्या थी? 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उनके संभावित हल। दो नंबर विकल्प है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में युद्ध की स्थिति। तीन नंबर है भारत की देशी रियासतों के शासकों की अंग्रेज सरकार के विरुद्ध शिकायतें। और चार नंबर है यूरोप का यात्रा वृतांत। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने रोम, जो कि इटली में है, वहां रहते हुए एक रोम नोट तैयार किया था और उसकी थीम थी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, यानी कि 1920 के आसपास में भारत की जो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उस पर आधारित था। तो विकल्प नंबर एक है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मॉक मेसन मारा गया? एरिनपुरा, आउआ, कोटा, नसीराबाद। तो मॉक मेसन 1857 की क्रांति के दौरान आउआ में मारा गया था। विकल्प नंबर दो हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कोटा में मेजर बर्टन की हत्या की गई थी क्रांतिकारियों के द्वारा। नेक्स्ट है, हु वाज द ऑथर ऑफ म्यूटिनीज इन राजपूताना? म्यूटिनीज इन राजपूताना के लेखक कौन है? आई टी प्रिचर्ड, जी एस ट्रेवर, सी एल सोवर्स, नाथुराम खड़गावत। म्यूटिनीज इन राजपूताना ये 1857 की क्रांति पर आधारित महत्वपूर्ण पुस्तक है और अंग्रेज अधिकारी आई टी प्रिचर्ड इसके लेखक हैं और ये नसीराबाद छावनी के अंग्रेज अधिकारी रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत होती है वो भी नसीराबाद से ही होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? मित्रों, आपके जो कमेंट आ रहे हैं उसका जो जवाब है आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, ठीक है। आपके जो भी कमेंट्स है, जो निजी लाइफ के बारे में जो भी आप पूछ रहे हैं, ठीक है, तो जब हम ये सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में 2-4 मिनट आपको टाइम दे देंगे और उसके बाद में आप चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है।
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? एक नंबर विकल्प, ध्यान से पढ़िए, शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना। राजस्थान सेवा संघ जो कि विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकिर, इन नेताओं ने की थी, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना विकल्प नंबर एक है। दो नंबर है जागीरदारों और जनता में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना। तीन नंबर है जनता की शिकायतों का निवारण करना। और चार नंबर है रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। तो यहाँ पर शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, ये हमारा इनकरेक्ट है, राइट नहीं है। बाकी वाले यानी कि जनता और जागीरदारों में परस्पर मैत्री संबंध स्थापित करना, जनताओं की शिकायतों का निवारण करना और जो राजनीतिक चेतना का प्रसार है वो जनता के बीच में करना, ये इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव थे। तो दो, तीन और चार करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक चेतना, यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना, तो ये प्रसार कौन कौन से समाचार पत्र पब्लिश करके इन्होंने किया था, आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान सेवा संघ के महत्वपूर्ण समाचार पत्र कौन कौन से थे। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए संस्थान और स्थापना वर्ष को। एक नंबर है राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना कब होती है? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है 1919 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा, कल ही के सेशन में आपको बताया था, मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा, और पहले बेसिकली 1918 में इसे मरुधर हितकारिणी सभा के रूप में स्थापित किया था, और जो आपके जयनारायण व्यास हैं उन्होंने 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नाम से इसका पुनर्गठन है वो किया था। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 हो जाएगा, ठीक है। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ये आपकी 1927 में है, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल है 1921 में, ठीक है। यहाँ पर कौन सा क्या होता है वो आप एक बार देख लेना। हाँ बिल्कुल, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान, ये आपके समाचार पत्र है इसके, राजस्थान सेवा संघ के। नेक्स्ट है, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा अजमेर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया गया है। राजस्थान केसरी, त्यागभूमि, नवीन राजस्थान और यंग राजस्थान। तो अजमेर से 1922 में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा जो समाचार पत्र पब्लिश किया था उसका नाम था नवीन राजस्थान। राजस्थान केसरी तो आपका वर्धा राजस्थान केसरी तो वर्धा महाराष्ट्र से हुआ था, लेकिन नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, ये आपके अजमेर से पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट, राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? रणछोड़ दास गट्टानी, सागरमल गोपा, आनंद राज सुराणा या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। तो बाल मुकुंद बिस्सा की जो मृत्यु है वो राज्य के अत्याचारों तथा जेल में अन्याय हो रहा था उसके विरुद्ध इन्होंने भूख हड़ताल की और उस भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाल मुकुंद बिस्सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे राजस्थान का यतीन्द्रनाथ या राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। नेक्स्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पर राइट कौन से हैं वो आपसे देखना है। जब भी आप प्रश्न पढ़े तो सत्य, असत्य और नहीं, ये वाले जो टर्म्स हैं उनको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। एक नंबर विकल्प है, उन्होंने अजमेर में वकालत की, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में है कि उन्होंने अजमेर में वकालत की। दो नंबर है, वे अजमेर म्यूनिसिपलिटी कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे। तीन नंबर है, उन्होंने ब्यावर में कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया। और चार नंबर है, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में कार्य किया। तो श्याम जी कृष्ण जी वर्मा के बारे में सभी कथन सत्य है, उन्होंने अजमेर में वकालत भी की, अजमेर के म्यूनिसिपलिटी कमेटी के भारतीय चेयरमैन के रूप में भी इलेक्ट हुए, और ब्यावर में 1889 में दामोदर दास राठी के द्वारा कृष्णा कॉटन मिल के नाम से सूती वस्त्र मिल स्थापित की, जो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, ठीक है।
तो उसमें भी इनका सहयोग रहा और मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी कार्य किया और एक इन्होंने लंदन में रहते हुए इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? मंगल सिंह, शोभाराम, जुगल किशोर चतुर्वेदी और चिरंजी लाल शर्मा। तो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था आपको 18 मार्च 1948 को शोभाराम कुमावत को। ठीक है, शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री, धौलपुर के उदयभान सिंह इसके राज प्रमुख थे और करौली के गणेश पाल इसके उपराज प्रमुख थे। नेक्स्ट है, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर एवं उत्तर पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व, केंद्रीय या फिर दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम। तो विशाल सीमा भ्रंश GBF कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं जिसे, या आपका पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी यानी कि आपकी जो भाड़ौती का पठार है इसके मध्य और विंध्यन कगार भूमि के मध्य ये स्थित है अरावली के पूर्वी भाग में। नेक्स्ट है, बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। विकल्प नंबर एक, ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। दो नंबर है, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तीन नंबर है, यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। और चार नंबर है, इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो देखिए, बनास का जो मैदान है, प्लेन ऑफ बनास, यहाँ पर एक नंबर विकल्प है, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। ये बिल्कुल रोंग है, कृषि के लिए ये पूरी तरह से उपयुक्त है। तो यहाँ पर सही जो आंसर कौन कौन से हैं, सही ऑप्शंस कौन कौन से हैं, उनका हमें चयन करना है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। दो नंबर है, इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये ठीक है। और यहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, ये भी बात ठीक है, क्योंकि जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है उसे ही जलोढ़ कहते हैं। और इसका ढाल पश्चिम की ओर ना होकर पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इसमें सही जो विकल्प होंगे वो हमारे बी एंड सी हो जाएंगे। विकल्प नंबर दो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, उत्खात स्थलाकृति विशेषता है जो बेडलैंड टोपोग्राफी है वो किसकी विशेषता है? नागौरी उच्च भूमि की, घग्गर बेसिन की, शेखावटी की या फिर चंबल बेसिन की। तो उत्खात स्थलाकृति आपकी चंबल बेसिन की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचा क्षेत्र है? सांबर क्षेत्र, भोराट पठार, मारवाड़ क्षेत्र और आबू ब्लॉक। तो ये सभी प्रश्न हमने पहले डिटेल में इसका एनालिसिस किया था। आई होप आपने देखे भी होंगे उस सेशन को, अगर ना भी देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपको सारी की सारी चीजें डिटेल में मिल जाएगी। यहाँ पर केवल हम क्विकली है वो रिविजन कर रहे हैं। तो मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचा क्षेत्र सांबर लेक है। ठीक है, सांबर क्षेत्र विकल्प नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। भोराट तो दक्षिणी अरावली का पठार है, मारवाड़ इसका हिस्सा भी नहीं है और आबू ब्लॉक इसका सर्वोच्च ऊंचाई क्षेत्र है। ठीक है, राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपे ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया? BSHW, BWHW, BSHS। तो यहाँ पर एक और दो में उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश के लिए BWHW और अर्ध शुष्क के लिए BSHW इन्होंने कोपेन ने दिया था। कोपेन के अनुसार राजस्थान को कितने चार जो क्लाइमेट रीजन में चार जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? राजस्थान में वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? मानसून की अरब सागर की शाखा, मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, पश्चिमी विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। जो रिट्रीटिंग मानसून है, लौटता हुआ मानसून है, ये राजस्थान में वर्षा के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार कारण नहीं है। आप बताइए कि पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है जो कि शीतकाल में होती है? नेक्स्ट है, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? ग्रीष्म, वर्षा, शीत या बसंत। राजस्थान में सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां ये चलती है ग्रीष्म ऋतु में, विकल्प नंबर एक है। और राजस्थान के उत्तरी श्री गंगानगर जिले में सबसे अधिक धूल भरी आंधियां चलती है।
यहाँ पर हमें सुमेलित करना है कूट के माध्यम से राजस्थान के जो पर्वत शिखर है और वो कौन से जिले में लोकेटेड है ये देखना है हमें। तो देखिए खो है ये आपका जयपुर में है, एक में दो हो जाएगा खो जयपुर में। उदयपुर में यहाँ पर कौन सा है अचलगढ़, अचलगढ़ तो आपका सिरोही में हो जाएगा। और कमलनाथ है ये उदयपुर में है और झुंझुनू में यहाँ पर बाबाई हो जाएगा। वैसे HM सक्सेना की बुक में बाबाई को जयपुर में बताया गया है ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर RPSC ने झुंझुनू में ही बाबाई को माना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए में दो है, एक नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा आई थिंक। हाँ बिल्कुल एक नंबर राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है, कोटा, झालावाड़, बारा और चित्तौड़गढ़। रामगढ़ हिल्स है ये आपकी 12 जिले में सिचुएटेड है, विकल्प नंबर सी है करेक्ट आंसर। कोटा में है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़िया या मुकुंदरा की पहाड़ी भी कहते हैं और ये हाड़ौती पठार के ही भाग है। उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बेराट, नाहरगढ़, रघुनाथगढ़ और मनोहरपुर। तो मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है ये आपका उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो उत्तरी अरावली की कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है 1055 मीटर है, मध्य अरावली की मोरायजी और दक्षिण अरावली की गुरुशिखर ठीक है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग अरावली पीक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अरावली की जो चोटियां हैं उनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है ठीक है। तो ये मैंने आपको इसको इजीली डिटेक्ट करने का तरीका भी बताया था जब हमने विश्लेषणात्मक रूप से इन पेपरों का डिस्कस किया था, तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा। 91 नंबर क्वेश्चन में अरावली की जो पीक है उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर एक नंबर देखा जाए तो भानगढ़ ये कहाँ है, अलवर में है, गोगुंदा ये आपका उदयपुर, और सज्जनगढ़ ये आपका कहां पर है, उदयपुर में है, ऋषिकेश ये आपका ऋषिकेश कहां हो जाएगा 91 में, डी बिल्कुल डी इसमें करेक्ट आंसर है हमारा, ऋषिकेश उसके बाद में सज्जनगढ़, गोगुंदा और भानगढ़ ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी आपको ऊंचाई भी देखी जाए तो ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी है 1017 है ठीक है, और सज्जनगढ़ की मैंने आपको कई बार बताई थी 938 मीटर, गोगुंदा की 840 मीटर और भानगढ़ और सिरावास ये लगभग 650 मीटर है ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, बनास, बाणगंगा यानी कि सहायक नदियों का जोड़ा दे रखा है जिसमें सही देखना है आपको, बनास, बाणगंगा, इसके अलावा लूनी, कोठारी, चंबल, सूकड़ी, माही, जाखम। तो माही, जाखम, सोम ये आपकी यानी कि माही की जाखम सहायक नदी है, विकल्प नंबर डी है करेक्ट आंसर ठीक है, माही, जाखम। अगला, कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, काकनी, कांतली, मेंडा और रूपनगढ़। सांबर झील में गिरने वाली आपकी नदियां ए बी, यहां पर देखिए काकनी ये आपकी जैसलमेर की है तो सांबर और जैसलमेर में यहां पर कोई ताल्लुक नहीं है, कांतली ये सीकर की है, मेंडा और रूपनगढ़, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंड डी, रूपनगढ़, मेंडा, खारी, खंडेला, ये चार महत्वपूर्ण नदियां हैं जो सांबर झील में गिरती है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ये जो राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियां हैं इनका ओरिजिनिंग पॉइंट क्या है, उद्गम इनका कहां से होता है ठीक है। तो देखिए बेड़च नदी जिसे आयड़ भी कहते हैं इसका उद्गम कहां से होता है, इसके बाद में खमनोर की पहाड़ियां, बाणगंगा यहां पर इस प्रकार से आपको दे रखे हैं। तो बेड़च नदी ये आपकी गोगुंदा की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी, और बाणगंगा है ये आपकी जयपुर की बेराट की पहाड़ियों से, और पार्वती है ये विंध्यन श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। तो यहां पर एक में तीन हो जाएगा, एक में तीन और बी में
क्या होगा, चार हो जाएगा। तो यहां पर एक नंबर वाला हमारा जो विकल्प है वो राइट है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में जालौर एवं बाड़मेर जिले किस फसल के अग्रणी उत्पादक हैं? आलू, इसबगोल, लहसुन और धनिया। तो जालौर और बाड़मेर जिले आपके इसबगोल के लिए अग्रणी उत्पादक जिले हैं, इसबगोल, ठीक है। और इसबगोल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया भी था इसबगोल जीरा, इसके लिए राजस्थान का जालौर जिला है ये काफी अग्रणी है। नेक्स्ट है, तिल किसकी फसल है, रबी की, खरीफ की, जायद की या इनमें से कोई नहीं। तिल है ये आपका किस प्रकार की है, तो ये खरीफ की फसल है, ठीक है। तिल खरीफ यानी वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती है वो आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। जैसे मोठ, मूंग, गेहूं, सॉरी गेहूं नहीं होगा, खरीफ में बाजरा आएगा, गेहूं रबी की किस्म है, ठीक है। तो मोठ, मूंग, इसके अलावा आपका बाजरा है, तिल है, ये आपके सभी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है, चावल, हनुमानगढ़ और बूंदी इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं, गेहूं के गंगानगर और हनुमानगढ़ हैं, मूंगफली के अलवर और भरतपुर है, गंगानगर, गन्ना के गंगानगर और चित्तौड़गढ़। यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूंगफली राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा वर्तमान में देखी जाए 18 से 2021 के बीच में, तो सबसे ज्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन आपका बीकानेर जिले में होता है, ठीक है। बीकानेर, चुरू और जोधपुर ये मूंगफली के आपके अग्रणी उत्पादक जिले हैं, और बीकानेर का लूणकरण सर है ये राजस्थान का, इसे क्या राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है, अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून और औसत वार्षिक वर्षा और कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण। तो राजस्थान के मरुस्थल की ये सभी विशेषताएं हैं, अति शुष्क दशाएं हैं, तापमान का अतिरेक है यानी कि बहुत तापमान टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है, न्यून औसत वार्षिक वर्षा ये भी है, और कम तथा छितरा हुआ वनस्पति आवरण यानी कि यहाँ पर वनस्पति आवरण है वो बहुत ही कम है। तो ए बी सी डी चारों ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी या डेड रिवर कहा जाता है, जवई, मोरेल, साबरमती और घग्गर। इंग्लिश में नहीं दिख रहा है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा इसको जूम इन करना पड़ेगा, तभी आपको एक प्रश्न दोनों ही लैंग्वेज में दिखेंगे, क्योंकि ये पेपर आपका ऑनलाइन हुआ था और उसके बाद में ये टाइप किया हुआ मैटर है, सीधा स्कैन कॉपी नहीं है। मृत नदी किसको कहा जाता है, घग्गर नदी को ही मृत नदी कहा जाता है, क्योंकि आपकी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ गंगानगर में बहती है, और इस नदी के बीच किनारे आपकी कौन सी सभ्यता है, कालीबंगा जो सिविलाइजेशन है इसी घग्गर नदी रेड रिवर के किनारे है। उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियां किस नाम से जानी जाती है, गिरवा, नाकोड़ा, भाकर और मुकुंदरा। तो उदयपुर बेसिन के चारों ओर की जो पहाड़ियां है ये आपकी गिरवा के नाम से जाना जाता है, और इस पहाड़ियों की आकार है वो तस्तरी के आकार का है, ठीक है। नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है, भाकर स्थानीय जो सीकर सॉरी सिरोही की स्थानीय पहाड़ियां हैं उसे स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं, और मुकुंदरा आपकी कोटा में है, हाड़ौती का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है, जमुना दास छोटे लाल बक्सा राम चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, अलवर, मारवाड़, बीकानेर और आपकी झालावाड़। तो जमुना दास छोटे लाल बक्सा राम ये आपकी अलवर चित्रकला शैली के प्रमुख चित्र है, यहाँ पर विकल्प नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा आपके बलदेव है, डालूराम है, शालिग्राम है, ये भी आपके अलवर चित्रकला शैली के ही प्रमुख चित्रकार हैं। नेक्स्ट है, वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित केंद्रों को चिन्हित करें, नाथ द्वारा, कांकरोली, सलेमाबाद और गलता जी। तो पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय से कौन संबंधित है,
नाथ द्वारा ये राजसमंद में कांकरोली राजसमंद में है, यही एक और दो है, पुष्टि मार्ग से संबंधित है, विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय, और गलता जी आपकी रामानंदी संप्रदाय की यहाँ पर पीठ है, कृष्णदास जी पयारी इनके यहाँ पर फाउंडर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गुगा नवमी कहा जाता है, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को ही गुगा नवमी के रूप में जाना जाता है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, और इसका प्रमुख जो मेला है वो गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य कथन है वो उनका चयन करना है आपको। लोक देवता बाबा रामदेव का जन्म पोकरण के रुणीचा ग्राम में हुआ था, तो एक नंबर ही हमारा इनकरेक्ट है और यही राइट आंसर हो जाएगा। लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म है आपका बाड़मेर में हुआ था, बाड़मेर के उडुकासमेर गांव में, जो कि शिव तहसील में स्थित है, यहां पर इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम अजमल और माता जी का नाम मैणादे था। नेक्स्ट जो विकल्प है वो भी देख लीजिए आप, बाबा रामदेव को हिंदू कृष्ण अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूजते हैं, ये भी सत्य है, और भाला लिए हुए घुड़सवार बाबा रामदेव जी का प्रतीक है, ये भी सत्य है, और बाबा रामदेव जी के मेले में तेहरे ताली नृत्य विशिष्ट आकर्षण का केंद्र है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नंबर ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खान का मकबरा जो कि अजमेर में है, इसे सोलह थंबा के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर विकल्प नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो कंदोरा ऑर्नामेंट इज वर्न ऑन वेस्ट, कमर का आभूषण है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तेजाजी फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट, ये गोट मांगलोर डेगाना मेड़ता और पर्वतसर, तो तेजाजी फेयर है पर्वतसर में ऑर्गेनाइज होता है, पर्वतसर नागौर में। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर पशु मेला भी आपका आयोजित होता है। कोशवर्धन का दुर्ग एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कोशवर्धन फोर्ट ये आपका कहां पर है, शेरगढ़, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेरगढ़, विकल्प नंबर सी है करेक्ट आंसर। शेरगढ़ में कोशवर्धन का दुर्ग है जिसे शेरगढ़ दुर्ग कहते हैं, ये शेरगढ़ बारा, ठीक है, बारा जिले में है शेरगढ़। चोमुआगढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, आपको ध्यान होगा, और विजय मंदिर गढ़ कहाँ है, ये आपका बयाना में है भरतपुर में, और भटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है। नेक्स्ट है, नृत्य जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग संगत के लिए नहीं किया जाता, वालर घूमर चंग और तेहरे ताली, तो ऐसा कौन सा डांस है जिसमें कोई भी म्यूजिकल तो इक्विपमेंट है इसका यूज भी नहीं होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वालर नृत्य। ठीक है, जो कि ग्रासिया जनजाति का प्रमुख एक पॉपुलर डांस है वालर नृत्य। ठीक है, तो इसमें किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता है। पत्थरमार होली है ये कहाँ की फेमस है, महावीर जी भरतपुर ब्यावर और बाड़मेर, तो बाड़मेर की पत्थरमार होली है ये फेमस है, आपको कमेंट करके बताना है कि महावीर जी करौली की कौन सी होली है वो फेमस है, कोड़ामार है, लठमार है, कौन सी क्या है, कमेंट करके बताएं आप। नेक्स्ट है, द डायलेक्ट इन विच द लिटरेचर ऑफ सुंदरदास इज फाउंड, सुंदरदास का साहित्य कौन सी बोली में हमें प्राप्त होता है, मेवाती रांगड़ी अहिरवाटी और ढूंढाड़ी, तो सुंदरदास जी दादू जी के ही एक शिष्य थे और इनका साहित्यिक जो रूप है वो हमें ढूंढाड़ी बोली में मिलता है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप कमेंट करके बताइए कि सुंदरदास जी ने एक साहित्यिक रचना लिखी थी उसका क्या नाम है, मैंने आपको डिटेल में पहले बताया था इन सारी चीजों के बारे में। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल भानगढ़ स्थित है अलवर जिले में, दौसा में, भरतपुर में या फिर जयपुर में, तो भानगढ़ ये आपका अलवर जिले में स्थित है, यहाँ पर विकल्प नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए, गैर नृत्य कहां पर होता है आपका, कौन सी जनजाति से संबंधित है,
इसके अलावा वालर नृत्य, शंक्रिय नृत्य और अग्नि नृत्य। तो घेर नृत्य तो किसका है? भीलों का है, विकल्प नंबर एक में एक हो जाएगा। वालर नृत्य ग्रासियों का है, शंकरीय नृत्य कालबेलिया जनजाति का है और अग्नि नृत्य जसनाती सिद्धों के द्वारा होस्ट होता है। तो यहां पर एक में बी जो भी है वो आप एक बार देख लेना कौन सा क्या होगा। ए में ए है और उसके बाद में दो में दो है या फिर एक नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, ये महत्वपूर्ण जो तमाशे और नौटंकी है ये कहाँ के क्या प्रसिद्ध है। तो नौटंकी कहाँ की है? ये आपकी राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग जो कि धौलपुर भरतपुर यहाँ की प्रसिद्ध है। तो नौटंकी हो जाएगा धौलपुर और भरतपुर का, ठीक है। और रम्मत है ये आपकी बीकानेर की है, बीकानेर जैसलमेर की। तमाशा जयपुर का है और मेवाड़ का आपका तुर्रा कलंगी है। तो यहाँ पर तुर्रा कलंगी क्या हो जाएगा? मेवाड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी कौन सा क्या होगा? एक में चार है और उसके बाद में दो है, एक में चार और दो में दो। आई थिंक बी इसका राइट आंसर है। अब कमेंट आ रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट ज्यादा करूंगा तो आपको ड्यूअल लैंग्वेज में दिखेगा नहीं और काफी मित्रों को परेशानी हो रही है जो जेईएन के कैंडिडेट्स हैं उनको ड्यूअल लैंग्वेज में भी जरूरी है बताना। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान की लोक परंपरा, आप एक बार वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ी सी हाई कर दीजिए, 360 कर दीजिए, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान की लोक परंपरा जो फोक ट्रेडिशन है इसमें एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक आपका रीजन दे रखा है, ठीक है। तो देखना है कि राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की सृजना नहीं है। इसका रीजन क्या है कि लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है। तो यहां पर ए स्टेटमेंट और आ रीजन दोनों ही सही है, तो यहां पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट घनवाद्य नहीं है? घनवाद्य ऐसा वाद्य यंत्र जो कि धातुओं के परस्पर टकराने से जो बजाए जाते हैं उसे घनवाद्य कहते हैं। तो ऐसा कौन सा नहीं है? झांझ, खड़ताल, मंजीरा और जंतर। तो जंतर आपका घनवाद्य नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं एक बार कि कौन से लोक देवता की फड़ के वाचन के समय इस जंतर वाद्य यंत्र का है वो यूज होता है। नेक्स्ट रामिसनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक है, द फाउंडर ऑफ शाहपुरा ब्रांच ऑफ रामिसनी सेट। तो शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? दरियाव जी, प्राणनाथ जी, रामदेव जी और रामचरण जी। तो रामचरण जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है इनके संस्थापक हैं दरियाव जी। राम स्नेही संप्रदाय की जो रैण शाखा है नागौर में उनके संस्थापक हैं। इसके अलावा एक इनकी शाखा है खेड़ापा में जिसके है हरिदास जी और सिंहतल में है संत हरि रामदास जी, ठीक है। नेक्स्ट है जीरा उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? जालौर, उदयपुर, टोंक और अजमेर। तो जीरा उत्पादन में जालौर है अग्रणी, विकल्प एक हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट माटी शिल्प के लिए प्रसिद्ध मोलेला कहाँ अवस्थित है? उदयपुर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, राजसमंद में। तो माटी शिल्प जिसे टेराकोटा कहते हैं और टेराकोटा क्राफ्ट के लिए आपका राजसमंद जिला है ये प्रसिद्ध है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और लास्ट सवाल, सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है रणकपुर का पार्श्वनाथ, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी, उदयपुर का जगदीश मंदिर और सीकर का हर्षनाथ मंदिर। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीकर का जो हर्षनाथ मंदिर है, ठीक है, यही इसमें सबसे ओल्डेस्ट मंदिर है। ये कब का बना हुआ है मैंने आपको पहले बताया भी था, आप किस किस को याद है कमेंट करके बताइए कि सीकर का हर्षनाथ का मंदिर है ये आपका कब का बना हुआ है। तो मित्रों आज के इस सेशन में बस इतना ही, टोटल जो 60 क्वेश्चन थे हमारे
और इन्हीं 60 प्रश्नों का हमने क्विकली रिवीजन किया। लगभग बहुत ही कम समय में हमने प्रयास किया है, लगभग आधा घंटा में आपके सारे के सारे प्रश्न है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और भी अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहे। और डेली बेसिस पर हमने विश्लेषणात्मक रूप से जिन पेपरों का डिस्कस किया है उनका हम एक बार क्विकली रिवीजन करेंगे। आदित्य जी गुप्ता, आपने बिल्कुल सही बताया है, 875 ईस्वी में शिखर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डॉक्टर ने 11 mm की पथरी बताई, क्या करूं सर? इसके लिए आप जो भी घरेलू उपचार है इनका आप ट्रीटमेंट है वो लेने का प्रयास करें, और हमारी पूरी इस परिवार की ओर से आपको जल्द ही स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। और अभी जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो इनसे भी सभी मित्रों को, सभी साथियों को और इससे परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा सा केयर करना है, सावधानी बरतनी है। जिस प्रकार से जो गाइडलाइन हमें दी जा रही है उस गाइडलाइन की हमें पालना तो करना ही है, और उससे भी कई गुना आगे बढ़कर हमें और भी इसमें विजिलेंस है वो बरतना है। और भी लोगों को आप जागरूक निश्चित तौर पर इसके बारे में करें। काफी भयावह स्थिति पूरे देश में है वो देखी जा रही है। और हंसराज जी गुर्जर, आप जितना हो सके संभव तो जिस प्रकार से ये नींबू वगैरह है तो उनका आप सेवन किया करें, और निश्चित तौर पर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और जो भी अगर पॉसिबल हो कहीं आसपास में तो आप हॉस्पिटल से भी संपर्क करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट टू ऑल। सर जी, आप किस जगह जॉब में हो? तो मैं तो जॉब की बात करें तो यही है, सांचौर में, जालौर जिला है, और सांचौर गवर्नमेंट कॉलेज सांचौर में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और ये कुछ दिनों तक हमारा क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन है वो चलेगा, उसके बाद में हम पुनः उनका रिवीजन है डिटेल में है उन प्रश्नों की व्याख्या है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। और ये जो PDF है RPSC के पुराने पेपर्स की, ये भी अगर आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकलवा करके प्रैक्टिस भी करना चाहे तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर पाएंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वो आपको वहां पर समय समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच अगेन, गुड नाइट टू ऑल।